आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को समझा। आज हम इन पर आधारित उदाहरण देखेंगे। चूंकि आप समांतर चतुर्भुज के बारे में भली भांति जान चुके हैं, तो अब समय है एक खेल खेलने का। इस खेल के नियम बहुत ही आसान हैं। आपको यहां एक आकृति दिखाई जाएगी और आपको बताना होगा कि वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं। क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छे, आइए आकृति को देखते हैं। क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है? हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां ए बी और डी सी तो समांतर रेखाएं हैं, परंतु ए डी और बी सी समांतर रेखाएं नहीं हैं और ना ही इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इसलिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये एक समलंब है। बहुत खूब, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से ये खेल खेला। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो क्या आप कोण ए का मान ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कोण ए और कोण डी संपूरक कोण हैं, इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री होगा। कोण ए का मान 2x जमा 10 और कोण डी का मान 3x इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर x का मान 34 डिग्री मिलता है। अब सवाल ये है कि x का उपयोग करते हुए कोण A का मान कैसे निकाल सकते हैं? आप आकृति में देख सकते हैं कि कोण A का मान 2x जमा 10 डिग्री के बराबर है। इस प्रकार यहाँ x का मान प्रतिस्थापित कर हमें कोण A का मान 78 डिग्री प्राप्त होता है। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि AC का मान 32 सेंटीमीटर है और BO AO से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या आप विकर्ण BD का मान बता सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO और OC का मान बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि AO AC का आधा होगा। हमें प्रश्न में AC का मान 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिससे हमें AO का मान 16 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार BO की लंबाई AO से 2 सेंटीमीटर अधिक है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या अब आप BO का उपयोग करते हुए विकर्ण BD का मान पता कर सकते हैं? शाबाश, BD का मान BO का 2 गुना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार हमें BD का मान 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आज हमने समांतर चतुर्भुज और उसकी विशेषताओं पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे।